बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ चिश्तियाँ के अंदर, जहाँ पर मौजूदा हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने के लिए तेल की मसनूआत में जो कमी की है। इस वक्त सूरत हाल महंगाई की कुछ इस तरह थी कि आवाम बिल बुला रही थी, लेकिन तेल के रेट कम करने पर, पेट्रोलियम के जो रेट कम हुए हैं उन पर आवाम का क्या रद्दे अमल है? मेरे साथ कुछ ड्राइवर हजरात यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या उनको इन पेट्रोलियम की मसनूआत की कमी से कुछ फ़ायदा भी हुआ है या नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम, इससे हमें फ़ायदा तो ज़रूर हुआ है, बल्कि पूरी आवाम को ही हुआ है, लेकिन ये कोई इतना ज़्यादा रिलीफ नहीं मिला इससे, क्योंकि आलमी मंडी में जितनी कीमतें कम हुई हैं उस हिसाब से तो ये ऊँट के मुँह में ज़ीरा देने वाली बात है। कम अज़ कम यानी 100 रुपये चलो लीटर हो, यानी 100 रुपये का एक लीटर तो आना चाहिए ना, जितना हम सुन रहे थे उस हिसाब से तो ये कमी नहीं हुई, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा इकदाम है हुकूमत का जो इसने किया है, अल्लाह इसको और तौफीक दे कि इसी तरह यानी कम करती रहे। बढ़ाई कीमतें जो हैं ये किसी भी चीज़ की, ये गरीब इससे काफ़ी परेशान है, ख़ास तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत हैं जो इनमें कमी बहुत ज़रूरी है, तो हुकूमत को इसके बारे में ख़ास तौर पर गरीब आवाम के बारे में सोचना चाहिए। चिश्तियाँ के इलाका मकीनों का कहना है कि हुकूमत की ये जो पेट्रोलियम की कीमतों में अजाफी की कमी है ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मजीद कम हो जाए तो आवाम के लिए एक बहुत अच्छा रिलीफ होगा। जी हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।